फास्ट एंड स्लो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ बेसन वाली शिमला मिर्च। आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। लिया है मैंने कुकिंग ऑयल, शिमला मिर्च है दो जिसको मैंने काट के वॉश करके रखा हुआ है, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आपके स्वाद के अनुसार, एक चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी हींग, नमक आपके स्वाद के अनुसार, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, एक बड़ा चम्मच बेसन, थोड़ी सी करौंजी और सौंफ, चौथाई चम्मच गरम मसाला। मैंने रख दिया गैस पे कढ़ाई, इसमें डाला है एक चम्मच कुकिंग ऑयल। अब इसमें डालेंगे हम करौंजी और सौंफ, थोड़ी सी हींग और शिमला मिर्च। जो मेरे चैनल पे नए आए हों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब इसमें हम डाल देंगे नमक और हल्दी। हल्दी नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे। 2 से 5 मिनट में ही ये अच्छे से स्टीम हो जाती है। नमक हल्दी डाल के बनाने से शिमला मिर्च का कलर बिल्कुल बिल्कुल हरा ही रहता है। आइए अब देखते हैं, ये देखिए हमारी शिमला मिर्च 75% पक चुकी है। अब इसमें हम बाकी के मसाले ऐड कर देंगे, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर और बेसन। बेसन को हम डाल के लगातार चलाएंगे ताकि इस मिर्च का टेस्ट अच्छा सा हो और हमारा बेसन अच्छे से पक जाए इसके अंदर। पहले जिसको मिर्ची का शौक है वो जरूर मेरी वीडियो देखे मेरे चैनल पे जाके। पहले भी मैंने 2 तरह की मिर्च की वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है और मिर्च खाने का स्वाद बढ़ा देता है। इसको आप पराठा, रोटी, चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप लोग जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं मेरी बनाई बेसन वाली मिर्च आपको कैसी लगी। राजस्थान में लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। इसको हम अभी 2 मिनट फिर से स्टीम देंगे ताकि हमारा बेसन अच्छे से पक जाए। आइए देखते हैं मिर्च को। ये देखिए मिर्च अच्छे से हमारी पक चुकी है, बेसन भी पक गया है, कढ़ाई में ऑयल भी छोड़ दिया है। इसमें हम अब फाइनली मिला देंगे अमचूर पाउडर। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसमें नींबू का रस भी मिला सकते हैं। और इसमें अब गार्निशिंग कर देंगे थोड़े से हरे धनिये के साथ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप लोग जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं मेरी बनाई हुई शिमला मिर्च आपको कैसी लगी।